क्वालिटी के क्वेश्चन आए थे प्रीलिम्स में उसकी, सो 10 क्वेश्चन आए थे, और बोल सकते हैं कि एक तरह से थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन ही थे जो थोड़े डिफिकल्ट थे, बाकी एक तरह से ये आसान पेपर ही था। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वोट एंड अकाउंट एंड इंटरिम बजट। वोट एंड अकाउंट एंड इंटरिम बजट में डिफरेंस पूछा है। पहला, द प्रोविजन ऑफ अ वोट एंड अकाउंट इज यूज बाय अ रेगुलर गवर्नमेंट वाइल एन इंटरिम बजट इज़ अ प्रोविजन यूज बाय द केयर टेकर गवर्नमेंट। गलत है यार, जो वोट एंड अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरिम गवर्नमेंट भी इस्तेमाल, मतलब जो केयर टेकर गवर्नमेंट है जो कि इलेक्शन के समय बनती है, या फिर जो रेगुलर गवर्नमेंट, दोनों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। वोट एंड अकाउंट का मतलब है जो सिर्फ अक्सर एक्सपेंडिचर से डील करता है, ठीक है ना। बजट पास होने के बाद क्या होता है, उस समय जो टाइम लगता है ना, 2-3 महीने जिसको स्क्रूटनाइज करने में, उस समय भी तो उसको खर्चा लगेगा ना गवर्नमेंट को, तो उसको खर्चा को पूरा करने के लिए वोट एंड अकाउंट पास कर जाता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। दोनों इंटरिम गवर्नमेंट भी और इंटरिम बजट में भी ये होता है, और ये वोट एंड अकाउंट दोनों में होता है, केयर टेकर और रेगुलर दोनों में। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड, अ वोट एंड अकाउंट ओनली डील्स विद एक्सपेंडिचर इन द गवर्नमेंट बजट, वाइल इंटरिम गवर्नमेंट इंक्लूड बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसीव। बिल्कुल सही है, वोट एंड अकाउंट सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात करता है। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा टू ओनली बी। सेकंड, इन इंडिया इफ अ रिलीजियस सेक्ट और कम्युनिटी इज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल माइनॉरिटी, व्हाट स्पेशल एडवांटेज इज इट एंटाइटल टू। माइनॉरिटी का राइट्स मिल गया उसको, ठीक है, माइनॉरिटी कहने का हक मिल गया, तो क्या हो जाएगा उसके पास, क्या क्या चीज़ आ जाएगी। फर्स्ट, इट कैन एस्टेब्लाइज एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल सही है, जो कि आर्टिकल 30 में बात करता है, माइनॉरिटी कैन एस्टेब्लाइज एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन देयर ओन। बिल्कुल सही है, फर्स्ट सही है। सेकेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी टू लोकसभा। ऐसा नहीं है दोस्त, ये हटा दिया गया ये प्रोविजन, ठीक है ना। पहले एंग्लो यूनियन 2 नॉमिनेट करने पड़ते थे, बट उसको हटा दिया प्रोविजन 219 में अमेंडमेंट करके 104th अमेंडमेंट, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। थर्ड, इट कैन ड्राइव बेनिफिट्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर 15-पॉइंट प्रोग्राम। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो 15-पॉइंट प्रोग्राम है, इट प्रोवाइड्स व्हाट, इट प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम फॉर द डिप्राइव्ड एंड डिसएडवांटेज सेक्शन टू द पॉपुलेशन, ठीक है। सो थर्ड इज करेक्ट, क्योंकि माइनॉरिटीज उसी में आते हैं। करेक्ट हमसे पूछा है, दैट इज 1 एंड 3, सी हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, द अथॉरिटी, ओके, द ऑथराइजेशन फ्रॉम द विड्रॉल ऑफ फंड, सॉरी, द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, ठीक है। ऑथराइजेशन कौन प्रोवाइड करता है, पार्लियामेंट प्रोवाइड करता है। सो ये हो जाएगा बी, दैट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ऑल रिवेन्यू रिसीव बाय द गवर्नमेंट बाय वेज ऑफ टैक्स एंड अदर रिसीप्ट फॉर द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस आर क्रेडिटेड टू, ठीक है ना। जो रिवेन्यूज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रिसीव करती है, वो कहाँ पे जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के पास जाती है, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हमको फंड निकालना है, पैसा निकालना है, तो किसके पास जाना पड़ेगा, पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी सी। दो ही क्वेश्चन जो एक टॉपिक पे आया था यहाँ पे। उसके बाद है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, When the annual union budget is not passed by the Lok Sabha, ठीक है, annual union budget Lok Sabha में पास नहीं हुआ तो क्या होगा, government को resign करना पड़ेगा भाई, क्योंकि government के पास confidence नहीं है in the floor of Lok Sabha, तभी तो उसको क्या पास नहीं हो पा रहा है, government annual budget पास नहीं हो पा रहा है। तो क्या बोलता है, ए, the budget is modified and presented again, गलत। बी, the budget is referred to the Lok Sabha, sorry, Rajya Sabha for suggestion, गलत। सी, the union finance minister is asked to resign, गलत। द प्राइम मिनिस्टर सबमिट द रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सही है, ये सही है भाई। प्राइम मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा रेजिग्नेशन अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ओके। उसके 6 क्वेश्चन देखते हैं, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। हमसे पूछा क्या है, नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। फर्स्ट, ये क्या बोलता है, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, यार मजबूरी नहीं है जो तेरे को वोट करना पड़ेगा, इट इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, कहीं भी नहीं बताया है। वोट, राइट टू वोट इज नॉट, सॉरी, वोटिंग इन पब्लिक इलेक्शन इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, बट टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, यस इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। 2012 के हमने पेपर में बात की थी इसकी। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, यस इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। डी, टू अबाइड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल लाइक नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, नॉट नेशनल सॉन्ग, वहाँ पे गलती करते हैं कभी कभी लोग, ठीक है। सो बी, सी, तो डी तो क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, बट राइट टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। सो सेकंड, फर्स्ट ए हो जाएगा आंसर इसका, ओके। उसके बाद 7th क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर
इज करेक्ट, फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करनी है, फाइनेंस कमीशन के बारे में कौन सा करेक्ट है ये हमसे पूछा है। ए इट एनकरेज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यार कहाँ से आ जाएगा, कोई फाइनेंस कमीशन काम है टू सजेस्ट मेजर्स फॉर द डिवोल्यूशन ऑफ फंड। आर्टिकल 210 जो कि फाइनेंस कमीशन की बात, सॉरी 280 फाइनेंस कमीशन की बात करता है, जिसमें बात करता है कि पैसा जो गवर्नमेंट के पास है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इट डज नॉट टॉक्स अबाउट द एनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, एक गलत हो जाएगा। बी इट फैसिलिटेट द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस अमॉन्ग द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। नहीं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता फाइनेंस, बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो बी गलत हो जाएगा। सी इट एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो CAG का काम है एंड पार्लियामेंट का काम है, नॉट द काम ऑफ फाइनेंस कमीशन। सो सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो आंसर हो जाएगा डी, दैट इज नॉन ऑफ द स्टेटमेंट। ABC इज करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। 8th नंबर क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 विच एम्स टू प्रमोट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री प्रोवाइड्स फॉर विच आर द फॉलोइंग। ठीक है ना, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसकी बारे में बात करता है ये बताओ भाई। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ओके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, गलत है। जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि म्यूनसिपैलिटीज को इंट्रोड्यूस करता है उसने बात की थी। सेकेंड क्या बोल रहा है, स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट ऑल पंचायत इलेक्शन, बिल्कुल सही है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होगी वही क्या करेगी, पंचायत इलेक्शन करेगी। ऐसा किसने बोला, ऐसा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने बोला। थर्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये भी किसने बात की, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन था उसी ने बात किया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने। करेक्ट हमसे पूछा है, कट हो जाएगा सी, दैट इज 2 and 3 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन इंडिया अ मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रिपेयर द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द मेट्रोपोलिटन एरिया, थर्ड हैज द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम इन द मेट्रोपोलिटन एरिया। याद रखना, कहीं भी एक एक्सट्रीम वर्ड आएगा ना, हाँ क्या बोल रहा है, दी मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमिटी है, क्या उसी के पास एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सॉरी क्या पूरी की पूरी जिम्मेदारी उसी की है कि रेस्पॉन्सिबल हो, वही क्या करे, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम को ये इंप्लीमेंट करे, ऐसा कैसे हो जाएगा यार, ऐसा नहीं हो सकता ना, एब्सोल्यूट वर्ड है। सो थर्ड इज इनकरेक्ट। जब थर्ड इनकरेक्ट होता है, थर्ड को एलिमिनेट कर दिया हमने, दूसरा कॉमन दोनों में है। तो अब हम लोग देखते हैं पहला क्या सही है, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर सेक्शन 3 है यार, मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमेटी, गलत है। तो आंसर हो जाएगा 2 ओनली, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ही तो है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से तो जोड़ दिया है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में। सो 1 इज ऑल्सो करेक्ट, 2 इज ऑल्सो करेक्ट, क्या गलती कर दिया यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, राइट टू फूड, विच ऑफ द अबव इज आर द ह्यूमन राइट और ह्यूमन राइट्स अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसमें से कौन सा ह्यूमन राइट है अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट हमसे पूछा गया है। राइट टू एजुकेशन, येस। राइट टू एक्सेस, राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, येस। थर्ड राइट टू फूड, येस। ये तीनों जो है वो सब क्या है, ये ह्यूमन राइट्स का पार्ट है, अंडर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, दैट इज 1, 2 and 3। सो दिस आर ऑल दी क्वेश्चन है ना, जिसमें से एक क्वेश्चन क्या था वो थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि वहाँ पे क्या गलती कर दी हमने, गलती क्या की थी, गलती की थी ये वाला क्वेश्चन, एक बार फिर सुना लेते हैं उसको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया अ मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमेटी, बात किसकी कर रहा है, मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमेटी की बात कर रहा है। फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूट अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बट अंडर द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 जिसने म्यूनसिपालिटीज को इंट्रोड्यूस किया उसने अब इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया है। तो फर्स्ट सही हो जाएगा, मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। सेकेंड इट प्रिपेयर द ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द मेट्रोपोलिटन एरिया, बिल्कुल सही है। थर्ड हैज़ द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम इन द मेट्रोपोलिटन, यार सोल कैसे, और भी बहुत सारे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, इसी का काम नहीं है ये, करेक्ट पूछा है। 1, 2 हो जाएगा ए। ओके सो दिस आर द क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 2012 के, थैंक यू।